दोस्तों स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल एम के ग्रुप पर दोस्तों आज हम 500 महत्वपूर्ण साइंस के प्रश्न का पार्ट फाइव लाए हैं जिसमें आज आप लोग 25 प्रश्न देखेंगे जो फिजिक्स से रहेंगे दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो चाहे रेलवे एस या स्टेट लेवल पर कोई भी एग्जाम हो सभी एग्जाम के लिए यह वीडियो बहुत ही यूजफुल और फ़ायदेमंद रहने वाली है इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको अच्छे से फ़ायदा मिल सके यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बगल में जो घंटी दिखाई दे रही है उसे भी बजा दें ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और दोस्तों आज का सेशन एम के ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एट का आंसर की भी है इसलिए ध्यान देंगे जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए हैं उनका आज टेस्ट सीरीज आठ का आंसर की भी है इसलिए ध्यान देंगे और जो अभी तक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़ सकते हैं जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नियम दिया गया है उसे फॉलो कर जुड़ सकते हैं और यह टेस्ट सीरीज बिल्कुल ही फ्री है इसलिए आप भी इस टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करें और अपने लेवल की जाँच करें तो चलते हैं क्वेश्चन वन की ओर देख रहे दोस्तों क्वेश्चन वन आपके सामने है पार्शिक इकाई है पार्शिक इकाई है फिजिक्स से है क्वेश्चन क्वेश्चन वन पार्शिक इकाई है पार्शिक किसकी इकाई है दूरी की समय की प्रकाश की चमक की या चुंबकीय बल की तो पार्शिक दूरी की इकाई है दूरी की सबसे बड़ी इकाई पार्शिक होती है इसलिए क्वेश्चन वन का सही आंसर है ऑप्शन ए दूरी की नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है तो समय का मात्रक कौन नहीं है तो प्रकाश वर्ष याद रखेंगे प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं है यह दूरी का मात्रक है इसलिए क्वेश्चन टू का सही आंसर है ऑप्शन सी प्रकाश वर्ष नेक्स्ट क्वेश्चन सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए जरूर ध्यान से देखें क्योंकि आने वाले एग्जाम में आपको मदद करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं तो न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है बी ऑप्शन बी जड़त्व का नियम जड़त्व का नियम भी न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं ध्यान देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन विद्युत धारा की मात्रक है विद्युत धारा की मात्रक है तो विद्युत धारा की मात्र क्या होता है एम्पियर होता है इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी एम्पियर नेक्स्ट क्वेश्चन जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित है क्वेश्चन कह रहा है जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित है क्या हो जाता है पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन हो जाता है भार में परिवर्तन होता है भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है मात्रा तथा भार दोनों में कमी होती है तो आप लोग जानते हैं मात्रा तथा द्रव्यमान से यहाँ कह रहा है तो दरमान नहीं बदलता है भार बदलता है तो और आप भी जानते हैं कि चंद्रमा पर पृथ्वी का एक बटा छव हो जाता है अर्थात घट जाता है इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भार घट जाता है तथा मात्रा आप परिवर्तित रहती है ध्यान देंगे जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है या प्राप्त की जा सकती है यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा संवेग द्रव्यमान गुना वेग द्रव्यमान इसको ऐसे कह सकते हैं द्रव्यमान को एम से और वेग को भी से संवेग हो गया और वेग वेग को भी से भी से भी, से भी कट गया तो क्या बचा द्रव्यमान तो यही आपसे पूछ रहा है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है तो देख रहे हैं क्या बचा एम एम मतलब मास मास क्या कहते हैं द्रव्यमान को कहते हैं इसलिए क्वेश्चन सिक्स का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द्रव्यमान पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है तो द्रव्यमान प्राप्त की जा सकती है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन मात्रको की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई तो मात्र की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति उन्नीस ईस्वी में लागू की गई थी ध्यान देंगे इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी उन्नीस ईस्वी तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक और शेयर जरूर करें और अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि इस तरह से और भी वीडियो आप लोग के लिए बना सकें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट किस तापमान पर जल का घनत्व तो अधिकतम होता है किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है तो ध्यान देंगे दोस्तों जल का घनत्व तो अधिकतम चार डिग्री इस सेल्सियस से। तो पर होता है इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी चार डिग्री सेल्सियस जल का घनत्व अधिकतम चार डिग्री सेल्सियस पर होता है नेक्स्ट क्वेश्चन ल्यूमेन ल्यूमेन किसका मात्रक है ल्यूमेन किसका मात्रक है तो ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी ज्योति फ्लक्स नेक्स्ट क्वेश्चन कुल ट्वेंटी फाइव प्रश्न देखेंगे और यह एम के एल सी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एट का आंसर की भी है आप भी जुड़े इस फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से यह टेस्ट प्रतिदिन चल रही है और सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट चलती है इसलिए यह बहुत ही फायदेमंद होगी अपने लेवल की जांच सकते हैं इस टेस्ट सीरीज से तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेन दाब का मात्रक है दोस्तों दाब का मात्रक क्या होता है तो दाब का मात्रक पास्कल होता है इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए दाब का मात्रक क्या होता है पास्कल नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन एक व्युत्पन्न राशि नहीं है निम्नलिखित में से कौन एक व्युत्पन्न राशि नहीं है तो यहाँ दोस्तों व्युत्पन्न राशि फिजिक्स में भौतिक में राशि दो प्रकार के होते हैं एक आधारी राशि एक व्युत्पन्न राशि व्युत्पन्न राशि जो आधारी राशि की सहायता से प्राप्त की जा सकती है तो आपसे प्रश्न किया जा रहा है कि व्युत्पन्न राशि नहीं है अर्थात आधार राशि और आधार राशि की संख्या कितने हैं सात हैं तो इसलिए इसमें देख रहे हैं आधार राशि कौन है तो आधार राशि द्रव्यमान है तो इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सी द्रव्यमान अब दोस्तों कमेंट में जरूर बताएं कि आधार राशि कौन कौन है कमेंट में जरूर लिखें आधार राशि की संख्या सात है तो सात कौन कौन है कमेंट में जरूर लिखें नेक्स्ट क्वेश्चन बल की परिभाषा आती है बहुत ही प्रचलित क्वेश्चन है दोस्तों बल की परिभाषा आती है न्यूटन के गति के किस नियम से पहले नियम से दूसरे नियम से तीसरे नियम से या गुरुत्वाकर्षण के नियम से बहुत ही प्रचलित क्वेश्चन और सभी एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछता है कि बल की परिभाषा न्यूटन के गति के किस नियम से मिलती है तो बल की परिभाषा न्यूटन के गति के पहले नियम से मिलती है ये ध्यान देंगे इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जरत्व का माप है निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जरत्व का माप है तो जरत्व का माप द्रव्यमान जरत्व का माप क्या होता है द्रव्यमान ध्यान देंगे निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा वेग त्वरण द्रव्यमान या भार तो द्रव्यमान है जो जरत्व का माप है इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी द्रव्यमान नेक्स्ट क्वेश्चन लेंस की शक्ति लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है तो लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है ध्यान देंगे इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी लेंस की शक्ति इसको लेंस की क्षमता भी कहते हैं ध्यान देंगे लेंस की क्षमता बोले या लेंस की शक्ति दोनों एक ही हैं तो लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक डायोप्टर नेक्स्ट क्वेश्चन कुल ट्वेंटी फाइव प्रश्न देखेंगे याद रखेंगे खाद ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं खाद ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं तो खाद ऊर्जा को हम लोग कैलोरी में मापते हैं इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैलोरी नेक्स्ट क्वेश्चन कैंडेला मात्रक है कैंडेला मात्रक है ज्योति फ्लक्स ज्योति प्रभाव ज्योति ताप या ज्योति तीव्रता तो बताइए दोस्तों कैंडेला किसका मात्रक है तो कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक है और दोस्तों यह आधारी राशि है आधार राशि ज्योति तीव्रता है इसलिए ध्यान देंगे एक आधार राशि हम बता दिए बाकी छ और बचा जो कमेंट में जरूर बताएंगे तो कैंडेला किसका मात्र रखा है ज्योति तीव्रता का ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन Osionfish. बल गुणनफल है बल गुणनफल है किसका गुणनफल है तो दोस्तों जानते हैं कि बल को एफ से सूचित करते हैं अब बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण द्रव्यमान गुना त्वरण एफ बराबर एम ए तो यहाँ आपसे पूछ रहा है कि बल किस बल किसका गुणनफल है मैंने किसका किसका गुणनफल है तो देखिए दोस्तों द्रव्यमान और वेग का तो नहीं होगा द्रव्यमान और त्वरण का तो दोस्तों आप देख लें यहाँ पर है दरमान और त्वरण का इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी दरमान और त्वरण का गुणनफल क्या है बल है इसलिए ध्यान देंगे क्वेश्चन सेवनटीन का सही आंसर है ऑप्शन बी एफ बराबर ए में नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन एट्टीन निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश है निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश है तो दोस्तों जानते हैं सदिश राशि किससे कहेंगे तो जिसको जिसके लिए मान और दिशा दोनों जरूरत है सदिश राशि का हैं और सदिश राशि का ट्रिक हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताएंगे कि कैसे पहचानें कि सदिश राशि उस ट्रिक के माध्यम से आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा कि कौन सदिश है कौन अदिश है तो अभी वर्तमान में ये क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश है या बल या चाल ऊर्जा तापमान तो दोस्तों सदिश राशि कौन है बल है ध्यान देंगे इसलिए इस चारों ऑप्शन में से सदिश कौन है बल इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है ऑप्शन ए बल और दोस्तों कमेंट में जरूर बताएं क्या सदिश राशि से ट्रिक का एक वीडियो बनाया जाए कमेंट जरूर करें ज़्यादा कमेंट आएगी तो जल्द से जल्द उस वीडियो को हम अपलोड करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्यूरी किसकी इकाई का नाम है क्यूरी किसकी इकाई का नाम है रेडियो एक्टिव धर्मिता का तापक्रम का उष्मा का या ऊर्जा का तो ध्यान देंगे क्यूरी रेडियो एक्टिव धर्मिता का इकाई का नाम है इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए रेडियो एक्टिव धर्मिता नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी कार्ज का मात्रक है तो दोस्तों कार्य का मात्रक क्या है तो कार्य का मात्रक जूल होता है ध्यान देंगे कार्य का मात्रक जूल इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए जूल नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम भूमध्य रेखा से यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है बढ़ता है घटता है वही रहता है या पैंतालीस डिग्री अक्षांश तक घटता है तो दोस्तों यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन अधिस राशि है तो अधिस राशि क्या है ऊर्जा बल अघुण संवेद या उपयुक्त सभी तो दोस्तों अधिस राशि कौन है ऊर्जा है ऊर्जा अधिस राशि है क्योंकि बल अघुण और संवेग क्या है सदिश राशि है इसके इसके लिए मान और दिशा दोनों जरूरत पड़ती है मगर ऊर्जा के लिए दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है इसलिए 22 का सही आंसर है ऑप्शन ए ऊर्जा ऊर्जा एक अधिस राशि स्केलर क्वांटिटी है नेक्स्ट क्वेश्चन देसी बल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है दोस्तों देसी बल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है तो अगर आप एम्पलीफायर या साउंड से रिलेटेड में कोई मशीन देखेंगे तो उसमें देख सकते हैं डीबी लिखा हो रहता है डीबी का अर्थ यही होता है डेसीबल तो यह ध्वनि ध्वनि को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है मगर यहाँ आप ऑप्शन में देख सकते हैं क्या है ऑप्शन ए है खून में हीमोग्लोबिन पेशाब में शक्कर वातावरण में ध्वनि दोस्तों आ गया ध्वनि इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी वातावरण में ध्वनि मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है ध्यान देंगे डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग लाया जाता है तो ध्वनि को मापने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है दूरी की ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो रॉकेट न्यूटन के तृतीय नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है क्योंकि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है इसी के सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर यह वीडियो आपके लिए फायदेमंद हुआ है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करें तो आज के लिए धन्यवाद दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ